हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है। दोस्तों, इस समय यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको पता ही होगा, जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से आप छात्रवृत्ति के अतिरिक्त तो और भी सरकारी कार्यों से संबंधित जो शिकायत है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसी क्रम में एक छात्र ने यहाँ पर स्कॉलरशिप से संबंधित जो शिकायत की थी उसका निस्तारण यहाँ पर किया गया है और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने यहाँ पर क्या बताया है, चलिए देखते हैं विस्तार से। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बिल्कुल अभी के अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि अदर भाई बहनों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। ये जो आप इन स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया है आख्या इन्होंने लगाई है, जो कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यानी कि ओबीसी डिपार्टमेंट से हैं। और 10 अप्रैल को इन्होंने ये आख्या लगाई थी और इन्होंने इसका जवाब भेज दिया था। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, चलिए देखते हैं पूरी बात। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर से आवेदन पत्र वेरीफाई किया जा चुका है। ये तो सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से आपके जो फॉर्म है वो वेरीफाई किए जा चुके हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई है, जिस वजह से इन्होंने ये शिकायत की थी। अब इसी के संदर्भ में इन्होंने क्या आंसर दिया है, जो कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, ठीक है। इनका कहना है कि बजट अनुपलब्धता के कारण, ठीक है, बजट उपलब्ध ना होने के कारण धनराशि नहीं प्रेषित की गई है, यानी कि बजट उपलब्ध नहीं है ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिस वजह से छात्रवृत्ति के जो पैसा है वो आपको नहीं भेजा गया। इसके साथ ही शासनादेश अनुसार प्रत्येक शैक्षिक सत्र की जो देनदारियाँ हैं वो उसी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जाती हैं एवं अग्रणित नहीं होती हैं, जिसके दृष्टिगत दसमोत्तर वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाभान्वित होने से वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का जो भुगतान है वो वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाना संभव नहीं है। यानी कि आपको पता ही होगा 2019-20, ठीक है, 2019-20 में आपने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, ठीक है, और उसके बाद 2020-21 में आपने जब आवेदन किया है तो यहाँ पर 2020-21 में ही जो भी फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसमें जो बजट होता है आपका वो बजट उसी ईयर में पूरी तरह से वितरित कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि किसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है तो उसे अब 21-22, ठीक है, ये जो 21-22 शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, इस शैक्षिक सत्र में प्रीवियस शैक्षिक सत्र की स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये जो 19-20 लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ से देखना है 20-21 से और उसके बाद 21-22 तक, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर यानी कि जो शैक्षिक सत्र आपका समाप्त हो चुका है 20-21 वाला, यदि किसी को उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है तो इनका ये कह रहा है कि अब जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, वित्तीय वर्ष अब जो चल रहा है वर्तमान में और इसी को हम आगामी वित्तीय वर्ष भी बोल सकते हैं, तो इसमें प्रीवियस वित्तीय वर्ष यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है वो अब वितरित नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फाइनली इनके कहने का मतलब ये है कि जो ओबीसी कैटेगरी का बजट है वो समाप्त हो चुका है, जिस वजह से ओबीसी कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं आई है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।